नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो लास्ट वैकेंसी में पूछे गए थे, तो इन क्वेश्चन की इस बार आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है वो कमेंट में ज़रूर टाइप करना। चल तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम है जो कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम है जो हमारा वो आनंद मठ से लिया गया है, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो गौर जो नृत्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की जो मुद्रा है वो है यूरो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1530 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को भारत की गार्डन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की जो तटीय सीमा हो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन क्वेश्चन का आपको उत्तर पता है उसे कमेंट में ज़रूर टाइप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा पाटिल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो डायमंड हार्बर है जो हल्दिया बंदरगाह को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है? तो विद्युत धारा है जो एमीटर से मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका जो पुस्तक उसके लेखक थे मैगस्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध है जो कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन है जो भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन है भारत 1928 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भंडारा नाइके है जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये श्रीलंका देश की रहने वाली थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डोरंड जो कप है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति है जो
भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न किए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है और इनके आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर टाइप करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।